हाफ सब्ट्रैक्टर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता और आज हम इस वीडियो में हाफ सब्ट्रैक्टर को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अब एक एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं कि हमारा ब्रेन किस तरीके से घटाने का काम करता है। इसके लिए हम एक दो डेसिमल नंबर्स लेते हैं, 86 और 37। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6-7 को हम स्टेज 1 मानेंगे और 8-3 को हम स्टेज 2 मानेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन भी जब सब्ट्रैक्शन करता है या घटाता है तो इसी तरीके से दो स्टेजेस बना लेता है। अब हम सबसे पहले स्टेज 1 को लेते हैं, और स्टेज 1 को जब हम लेते हैं तो हमारा ब्रेन सबसे पहले 6 को एंटर करता है, उसके बाद में 7 को एंटर करता है, यानी कि हमारे ब्रेन में भी जो इनपुट हैं वो 6 और 7 दो इनपुट्स अंदर जाते हैं, और ब्रेन हमारा डिसाइड करता है क्योंकि 6 7 से छोटा है तो यहाँ पर हमें स्टेज 2 से एक बोरो लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम एक बोरो ले लेते हैं और फिर ये 1-6 बन जाता है, और 1-6 में से 7 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा जो डिफरेंस है, आउटपुट जो है हमारा, वो 9 के रूप में बाहर निकलता है। तो आप देखें कि यहाँ पर हमारे ब्रेन ने किस तरह से काम किया। सबसे पहले उसने 6 को लिया यानी कि इनपुट 1 हो गया, उसने फिर 7 को लिया यानी इनपुट 2 हो गया, फिर अगर नंबर हमारा ए नंबर बी नंबर से छोटा है तो वहाँ पर एक बोरो जनरेट हुआ, और ये बोरो सेकंड स्टेज के लिए हमने बचाकर रख लिया कि जब हम वहाँ पर उसको माइनस करेंगे तो इसको काम में लेंगे। तो आप देखें कि स्टेज 1 में ये सब चीज़ें डिसाइड हो गई हैं कि हमारे इनपुट्स क्या हैं और हमारे आउटपुट क्या होंगे। तो हमारे इनपुट यहाँ पर साफ नज़र आ रहे हैं स्टेज 1 में। ध्यान दें कि हमारे जो इनपुट हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं, वे हैं 6 7, और जो हमारा आउटपुट है वो क्या क्या है, वो है हमारा डिफरेंस और बोरो, जो कि हमारा यहाँ पर जनरेट हुआ है और सेकंड स्टेज की तरफ प्रोपोगेट हुआ है। तो अब हम सेकंड स्टेज को देखते हैं। सेकंड स्टेज में हमारा जो है वो इनपुट 8 है, दूसरा जो हमारा इनपुट है वो 3 है, और यहाँ पर हमें जो थर्ड इनपुट को भी कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि प्रीवियस स्टेज से बोरो की फॉर्म में आया है, यानी कि क्योंकि हमने यहाँ से एक बोरो उधार लिया था, हमने एक बोरो लिया था, इसलिए यहाँ पर हमें उसको भी माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा यानी आउटपुट आएगा वो 4 आएगा, लेकिन 4 उसी केस में आएगा जब हम बोरो को भी माइनस करेंगे, अदरवाइज ये हमारा जो डिफरेंस है वो 5 आएगा, जैसे कि हाफ एडर में होता है, क्योंकि वहाँ पर दो ही इनपुट होते हैं। वहाँ पर जो तीसरा इनपुट है, जो बोरो वाला जो इनपुट होता है, वो वहाँ पर नहीं होता, यानी कि हम केवल दो इनपुट्स 8 और 3 को ही वहाँ पर लेके काम करते हैं, इसलिए जो है वो हमेशा हाफ सब्ट्रैक्टर में हमारे पास में दो इनपुट्स होते हैं और दो ही आउटपुट होते हैं। तो ये जो आपने यहाँ पर देखा, ये हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पर इस एक्टिविटी को किया है। अब हम यहाँ पर हाफ सब्ट्रैक्टर के ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे कि इसमें दो इनपुट्स हैं और दो आउटपुट्स हैं, डिफरेंस और बोरो। बोरो आउटपुट तभी बाहर निकलेगा जब हमने प्रीवियस स्टेज से एक बोरो को लिया है, यानी हमने उधार लिया है, एक को उधार लिया है, तभी ये बोरो आउटपुट बाहर निकलेगा, अदरवाइज ये बोरो आउटपुट बाहर नहीं निकलेगा। तो अब हम इसकी ट्रुथ टेबल को देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल में दो इनपुट्स हैं, इसलिए 4 एंट्रीज हैं, और हमारे यहाँ पर दो आउटपुट हैं, डिफरेंस और बोरो। तो सबसे पहले एंट्री 0 में से हम 0 को माइनस करते हैं तो हमारा डिफरेंस 0 आता है, और बोरो भी, क्योंकि हमें नहीं लेना पड़ रहा है इसलिए 0 होता है। जो सेकेंड एंट्री है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, कि जब हम 0 में से 1 को माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पर एक बोरो लेने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमारा जो बोरो आउटपुट है वो 1 आता है, और जब हम 1-0 में से 1 को माइनस करते हैं तो हमारा डिफरेंस जो है वो 1 आता है। इस तरीके से जो हमारी थर्ड एंट्री है वो हमारी
साफ दिख रहा है कि 1 में से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस 1 आएगा और हमारा बोरो भी 0 आएगा। इस जो चौथी एंट्री है 1 में से 1 को हम जब माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस 0 आएगा और हमारा, क्योंकि हमें कोई बोरो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है इसलिए हमारा बोरो आउटपुट 0 आएगा। अब ये जो बूलियन इक्वेशंस हैं इनको यहाँ पर निकालना बहुत आसान है। जो डिफरेंस आउटपुट है वहाँ पर हमारे पास में दो वंस हैं, 01 पर 1 है और 10 पर 1 है, यानी कि हमारे पास में दो मिन टर्म्स हैं। पहली एंट्री में ए 0 है और बी 1 है इसलिए ए प्राइम बी, और दूसरी एंट्री में ए 1 है और बी 0 है इसलिए ए बी प्राइम। और ये इक्वेशन आपकी जानी पहचानी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है एक्सक्लूसिव और की, ए एक्सक्लूसिव और बी। जो क्वेश्चन मार्क का साइन है उसको आप एक्सक्लूसिव और से रिप्लेस कर लें। अब हम जो दूसरा आउटपुट है बोरो आउटपुट, उसमें हम देख रहे हैं कि केवल एक जगह पर ही 1 है जहां पर ए 0 है और बी की वैल्यू 1 है, यानी कि ये जो मिन टर्म है वो हमारी ए प्राइम बी है। तो ये जो हमारा ब्लॉक डायग्राम था, जो इक्वेशंस थी, उसके आधार पर हम लॉजिक डायग्राम को बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि रेड कलर में एक्सक्लूसिव और गेट है जो कि डिफरेंस को शो करता है ए एक्सक्लूसिव और बी, और जो दूसरा गेट है वो हमारा एंड गेट है जिसके दो इनपुट्स हैं, एक ए प्राइम है, इन्वर्टर लगा हुआ है ए के बाद में, और दूसरा बी से सीधा आ रहा है इसलिए ए प्राइम बी। ये आपका लॉजिक डायग्राम है। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि हाफ एडर सर्किट में क्या होता है, अगर हम इस इन्वर्टर को हटा दें तो ये ही सर्किट हमारा जो है वो हाफ एडर सर्किट बन जाता है, क्योंकि दोनों की इक्वेशंस में केवल एक जगह पे ही फर्क है, वहाँ पर ए बी होता है और यहाँ पर ए प्राइम बी होता है। तो इसलिए इस इन्वर्टर को अगर हम यहाँ से हटा के डायरेक्ट को वायर को ए को एंड गेट से जोड़ दें तो ये हमारा हाफ एडर बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।